आपको इससे इसके ऊपर एक गवाही देता हूं। ऐसे कुछ साल पहले की बात है, ऐसे कोई फैमिली थी हमारे पास आती थी, उनकी छोटी बेटी थी, उसे कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गई, छोटी बच्ची थी, उसको छोटी सी कोई पाँच साल की, उसे उसको शुगर, इसकी शुगर बढ़ गई बहुत ज़्यादा, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो एक बार मैं उसे ऐसे मैंने अपनी अपनी बुद्धि से मैंने कहा मैं उन्हें हॉस्पिटल मिलकर आता हूँ। क्या मिलकर आता हूँ? क्योंकि छोटी बच्ची है तो मैंने सोचा कि चलो मैं उत्साहित करता हूँ। तो मैंने एक काफ़ी साल पहले की बात है, तो मैं जब जा रहा था तो जिस तरफ वो हॉस्पिटल था, मैं अब मुड़ने वाला मोड़ था, और उससे पहले मुझे परमेश्वर मना कर रहा था कि वहां पे मत जा। क्या ना कर, मुझे मना कर रहा था परमेश्वर के मत जा। मुझे अंदर से ऐसे आवाज आ रही थी कि मत जा वहां पे, कहना जा रहा। तो मैं ऐसे कह रहा हूं, ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है कि मत जा वहां पे, मत जा, ऐसे अंदर से मेरे आवाज आ रही, क्या आ रही थी? तो मैंने शरीर से उस बात को समझा नहीं, परमेश्वर की बात को आत्मा से समझा नहीं, तो मैं ऐसे अपनी कह लो लालच से, बोलो क्या है, अपने लालच से, जहाँ कुछ ऐसी कुछ अपनी बुद्धि की महिमा से कि मैं जाऊँगा, मैं बताऊँगा, वो ऐसा हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का मेरा काम ना बुद्धि से, ना बल से, ना शक्ति से, मेरा काम किससे होगा? किससे होगा? मेरी आत्मा से होगा, ना बुद्धि से, ना बल से, ना शक्ति से। तो क्या हुआ कि मैंने परमेश्वर की बात को माना नहीं और मैं हॉस्पिटल में चला गया। क्या चले गया? मैं हॉस्पिटल में चला गया। और जब मैं वहां पे गया तो मैंने उनको उत्साहित किया, सब कुछ प्रार्थना की। जब मैं हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर थे, वो जब मैं नीचे आ रहा था सीढ़ियों से, अब मैं सेकंड मंजिल में था, तो सीढ़ियां ऐसे सीढ़ियां थी, तो मैं ऐसे ऐसे नीचे उतर रहा था, तो ऐसे जैसे मेरे किसी ने पैर को ऐसे पकड़ा और एकदम से दो स्टेप आगे मेरा पैर आगे निकल गया, जैसे एक एक स्टेप ये और दो स्टेप छूट गया और तीसरे पर मेरा पैर चला गया, और एकदम से मेरा पैर घूम गया, ऐसे घूम गया मेरा पैर ऐसे पूरा। और जब ऐसे घूम गया तो उसी समय मेरे इतनी दर्द हुई जैसे अंदर से मेरी हड्डी किसी ने तोड़ दी। हड्डी टूटी तो नहीं, पर ऐसे जैसे कुछ ऐसे कुछ मांस फट गया, कुछ ऐसे हो गया। तो मेरे इतनी दर्द है ना, इतनी ज्यादा। अब मुझे जिनके मैं बच्चे को मिलने गया, उस बेटी की जो दादी थी, वो मेरे पाँव को दबाने लगी। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं हुआ। मैं शांत से मैं नीचे तो आ गया, हॉस्पिटल की सीढ़ियों से उतर कर नीचे आ गया, पर एक कदम ही मुझसे चलना बहुत कठिन था, एक कदम में बहुत कठिन था। बोलो क्या था? एक कदम भी मेरे लिए चलना बहुत कठिन था। तो मैं हॉस्पिटल के बाहर, मेरी गाड़ी लगी थी, तो मैं धीरे धीरे एक एक पांव पर आंसे भार डालकर, क्योंकि वो इतनी दर्द थी कि उस पर भार नहीं पड़ रहा था, तो एक पांव पर मैं ऐसे धीरे 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 वहां तक बार गया। जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो ऐसे ये मे बी ये लेफ्ट मतलब खब्बे पांव में ये मेरी प्रॉब्लम आई। जब मैंने ऐसे करके दबाया मैंने, तो दर्द बहुत हो रही। क्या हो रही है? बहुत दर्द हो रही है। तो मैंने कहा कि अगर कोई आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो मैं नहीं, सॉरी, लेफ्ट नहीं, राइट राइट सॉरी राइट था। मैंने कहा अगर कोई आगे आ जाएगा तो मैं अगर ब्रेक लगाऊंगा तो ये जो दर्द बोधी मैं तो मुझसे तो ब्रेक नहीं लगेगा, ये तो और नुकसान हो जाएगा। तो मैंने फिर मैं सोच रहा था मैं किसी को फोन करता हूँ और किसी को बुला लेता हूँ कि मुझे ले जाओ जहां से। और ऐसे मैं बात कर रहा था अपने मन में, ऐसे सोच रहा था, एकदम वो चीज मेरे मन में आई जो परमेश्वर मुझे रोक रहा था, जिस चीज से मुझे परमेश्वर रोक रहा था। बोलो क्या कर रहा था? मुझे रोक रहा था। तो मुझे याद आया कि परमेश्वर मुझे रोक रहा था इस चीज के लिए, तो मैंने अपनी बुद्धि से किया। अब वहीं पे मैंने
बैठे बैठे गाड़ी में मैंने ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर अगर ये हालात मेरे खुद के कारण है, क्योंकि इसके दो कारण है, बोलो क्या इसके दो कारण है, अगर परमेश्वर जैसे तू मुझे मना कर रहा था मैं अपनी बुद्धि से गया, अगर ये मेरे कारण है तो मुझे माफ कर, अगर मेरे कारण ये हालात है तो मुझे माफ कर परमेश्वर, अगर ये दुष्ट की कोई योजना या कोशिश तो फिर मैं विश्वास करता हूं, अगर ये मेरे कारण है तो मुझे माफ कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मना किया था, बोलो क्या किया था, मना किया था जाने के लिए कि वहां पे मत जा, पर मैं अपनी बुद्धि से गया। जैसे आपको भी परमेश्वर आपके मन में भी ढालेगा, ऐसे नहीं कि नहीं, अगर आप प्रार्थना, आप एक प्रेयर वॉरियर हो, प्रार्थना करने वाले हो, तो अपनी बातें परमेश्वर आपके मन में ढालेगा, आपको बताएगा, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो उसके मन में डालता है, जो प्रेयर वॉरियर है, जो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, समझे हो, तो आपके मन में भी डालेगा क्या करना है, कहां पे जाना, नहीं करना, ये काम करना है कि नहीं करना, कौन बताएगा आपको, परमेश्वर बताएगा। तो जब मुझे वो बात याद आई कि परमेश्वर मुझे मना कर रहा था, तो फिर मैंने ऐसे प्रार्थना की परमेश्वर से कि परमेश्वर अगर वो हालात मेरे कारण है तो मुझे माफ कर दे, क्या कर दे, क्योंकि मैंने तेरी बात को नहीं माना। हाँ, जैसे बिलाम ने, परमेश्वर ने मना किया इसराइली लोगों को श्राप देने के लिए, वो फिर भी वो कह रहा है कि आज रात है। हाँ, बलाक को क्या बोल रहा है, उसके बाकी दूतों को, सिपाहियों को, आज रात रुको, मैं परमेश्वर से पूछता हूं, वो क्या उत्तर देता है, जबकि परमेश्वर ने सख्त मना कर दिया था, क्या कर दिया था कि इनके साथ मत चल, समझ आ रही है। तो ऐसे ही आपके साथ भी होगा, जब आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर आपको बताएगा, समझ आ रही है। तो जैसे मैंने प्रार्थना की परमेश्वर कर जी मेरे कारण हालात हैं तो मुझे माफ कर, अगर ये कोई दुष्ट की योजना है तो मैं फिर भी विश्वास करता हूं, इन दोनों चीजों में मेरी प्रार्थना परमेश्वर ने इसलिए सुनी कि उसने मुझे मना किया था, बोलो क्या किया था, मना किया था, पर मैं अगर गया, बोलो क्या है, अगर मैं अपनी बुद्धि से गया तो मैंने परमेश्वर से माफी मांगी, क्योंकि माफ करने वाला परमेश्वर है, बोलो क्या है, वो माफ करने वाला परमेश्वर, माफ करने वाला, अगर मैंने ऐसे किया, बोलो क्या किया, अगर मैंने ऐसे किया है, बोलो क्या, अगर मैंने ऐसे किया तो परमेश्वर ने उसी समय मुझे शुआ और चंगा किया, उसी समय, समझ लो कितना बड़ा हालात था, ऐसे लग रहा है कि जैसे मांस फट के अंदर, पता नहीं इतनी दर्द है, हो सकता मैं दो चार दिन बेड पर रहता, इतनी ज्यादा दर्द थी, एक कदम भी चलना के मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पर उसी समय उसके आत्मा ने शुआ और मुझे चंगा किया। आमीन। वो आपको भी ऐसे चाहता है, आपके जीवन को भी ऐसे वो ब्लेस करना चाहता है, पर अगर आप भी आत्मा की अगुवाई से चलोगे और उसके साथ जियोगे तो परमेश्वर आपको भी इसी रीति से वो चंगा करेगा और ब्लेस करेगा। आमीन, आमीन। तैयार हो, तैयार हो इस तरह से जीने के लिए, क्योंकि हालात इसीलिए आते हैं, इसके दो कारण हैं। कभी कभी जैसे मेरे ऊपर ये हालात आने का कारण है, परमेश्वर मुझे मन कर रहा है, पहली बार मेरे ऊपर हालात आया तो मैं परमेश्वर से पूछ रहा हूं, मैंने कोई पाप तो नहीं किया, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया, हाँ बोलो, मैंने कोई गलत काम, तो अगर है तो परमेश्वर बताएगा, अगर नहीं है तो जब तक मेरा विश्वास नहीं बना उस चीज के लिए तब तक वो काम भी नहीं हुआ, बोलो तब तक वो काम भी नहीं हुआ। जैसे मैंने उस चीज के लिए फिर विश्वास किया तो परमेश्वर ने क्या किया, हाँ अपनी बड़ी महिमा को मेरे जीवन से प्रकट किया, और वो हर एक के जीवन से करेगा, बोलो क्या करेगा, वो हर एक के जीवन से करेगा जो उसके साथ जिएगा, बोलो क्या करेगा, जो उसके साथ जिएगा, उसकी सेवा करेगा, उसकी हर आज्ञा को मानेगा, उसका हाँ बोलो क्या करेगा, उसकी हर आज्ञा को मानेगा और उसका भय और डर
जो सदा उसके जीवन में बना रहेगा, परमेश्वर से ब्लेस करेगा, उच्छा करेगा।